श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय, फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन तथा शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतरी ही शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष
धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को हो जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ।